मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने पत्रकारों से बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा लगातार कोरोना संक्रमण खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। किल कोरोना अभियान, ऑक्सीजन आपूर्ति की, बेड बढ़ाए, मेडिसिन उपलब्ध कराए, इसमें सुखद परिणाम दिखे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। जो दवाएं आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनकी कमी है नहीं है? अभी फिलहाल कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि सर 4 दिन से भोपाल में इंजेक्शन नहीं मिला। सुबह 6 बजे से लाइन लगती है और वापस सब लोग घर चले जाते हैं। सर सिर्फ 4,000 इंजेक्शन आए आपके? सरकार पूरी तरीके से लगातार मुस्तैदी के साथ में लगी हुई है कि जो इंजेक्शन है उसकी पर्याप्त उपलब्धता हो, और जैसे जैसे उपलब्धता होती जा रही है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर अभी किल्लत है, सर एक मरीज को एक दिन में 6 इंजेक्शन लग रहा है, एक मरीज को एक दिन में 4 इंजेक्शन लगना है, 700 मरीज है, एक दिन में तकरीबन 2,800 इंजेक्शन लगना, सिर्फ 4,000 है, तो अभी किल्लत तो है फिलहाल शुरुआती दौर में जो दिख रहा है। मैंने आपको बताया कि जो जिस तरीके से जो केस डायग्नोस हो रहे हैं और जो इंजेक्शन की डिमांड है उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उसकी उपलब्धता हो और हम लोगों को इंजेक्शन उपलब्ध करा पाए। कमी है नहीं है, आप ये बताइए, कमी है? 50 से ज्यादा अभी ऑपरेशन पेंडिंग पड़े लेकिन इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं है। इंजेक्शन की दिक्कत है, ये बात सही है, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी जो भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर भी इंजेक्शन अभी उपलब्ध भी है। दिक्कत हो रही है, केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इंजेक्शन की उपलब्धता हो सके और हम उसकी पूर्ति कर सकें। सर व्हाइट फंगस को लेकर क्या रणनीति है प्रदेश सरकार की? पहला मरीज आ चुका है, उसको लेकर क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए और इस मध्य प्रदेश में स्थिति जिससे सामान्य हो सके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। डे वन से अप्रैल के माह से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना कर्फ्यू लगाया, टेस्टिंग की, किल कोरोना अभियान चलाया। संक्रमण की संख्या बढ़ रही थी उस समय, बेडों की कैपेसिटी बढ़ाई, ऑक्सीजन की आपूर्ति की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो डिमांड जब ज़्यादा बढ़ रही थी तब देश के प्रधानमंत्री से, केंद्र सरकार से, कंपनियों से बातचीत करके इंजेक्शन की उपलब्धता कराई, मेडिसिन की उपलब्धता कराई। उसके सुखद परिणाम आज मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं कि आज हमारी जो पॉजिटिविटी थी जहां 24-25 तक पहुंच गई थी वो आज 4.82 रह गई है और रिकवरी का रेट भी लगातार बढ़ा है, जो आज 90% से अधिक हो गया है। टेस्टिंग की कैपेसिटी भी लगातार हम लोगों ने बढ़ाई, किल कोरोना अभियान 2 चलाया गया, उसमें जहाँ जहाँ केस ज़्यादा थे पूरे एरिए में हॉट स्पॉट को चेन करके वहाँ डोर टू डोर सर्वे किया, और किल कोरोना अभियान 3 जो चलाया, प्रत्येक गांव में घर घर जाकर सर्वे किया गया, मेडिसिन के किट उनको उपलब्ध कराए गए, जिनके घरों में रहने की जगह कम थी उनको पंचायतों में आइसोलेट किया गया, और इस रणनीति के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार प्रयास, उन्होंने पूरी टीम, मंत्रिमंडल के सभी साथी, प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, जिलों के कलेक्टर, SP, CMHO। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।